शैतान बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या हाल है प्यारे बच्चों? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे होंगे। हमने बेटा पढ़ा था लेसन नंबर 13, सबक नंबर 13, इत्तेफाक में बरकत है, जिसका मकसद था बच्चों को आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत से रहने की तलकीन करना। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज का हमने आगाज़ किया था, अल्फाज मानी किए सबसे पहले, फिर हमने दूसरा सवाल किया सवालों के जवाब, और सवाल नंबर 3 किया मुनासब लफ्ज़ लगा कर खाली जगह पूर करें। ठीक है, आज हमारा सवाल नंबर है 4, मुज़क्कर को मुअन्नस से मिलाएं। ठीक है, ये हमारे पास मुज़क्कर दिए हुए हैं, अलजबर बे अबे अली बा अबा, दाल अली दा दादा, चेली चा चाचा, मीवा मोर ए मोर, अलमद्दा अलमद्दा दाल, मीम छोड़िए मी, आदमी। अब हम मोनस के जोड़ बनाएंगे, अनवा और रात औरत, मीवा मो रे नू छोड़िए नी मोनी, अली जबर मीम अम, मीम छोड़िए मी अम्मी, चे अली चा चे छोड़िए ची चाची, दाल अली दा दाल छोड़िए दी दादी। ठीक है, अब हमने एक जैसे अल्फाज को ढूंढना है, ये मुज़क्कर है और मुअन्नस। बेटा मुज़क्कर होता है मर्द के लिए, औरत के लिए, यानी जिंस जिसकी चेंज हो, मतलब वो ही शी का कंसेप्ट होता है ना, जैसे आप ही में करते हो सिंगुलर प्लूरल का, सॉरी मस्कुलन फेमिनन का। ठीक है, तो इसमें भी होता है मुज़क्कर मुअन्नस। मुज़क्कर होता है ही के लिए और मुअन्नस होता है शी के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अब्बा हैं तो हम इधर ढूँढेंगे, अब्बा के साथ हम क्या लगाते हैं? अम्मी, अब्बा अम्मी, और ये हमारा अब्बा और अम्मी। ठीक है, नेक्स्ट है दादा, दाल दा दाल दा दादा, तो हम दादा से रिलेटेड क्या होता है, हम क्या बोलते हैं? दादी अम्मी दादा अबू। ठीक है, तो दाल दा दाल चोटिए दी दादी, अब हम दादी के साथ अटैच करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारा चेली चा चाचा, और यहाँ पे हमने ढूंढना है चाचा चाची, हम बोलते हैं ना घर में आम रूटीन में, तो चेरी चाची छोटी चाची चाची। ठीक है, नेक्स्ट हमारा मीवा मोर ए मोर, मीवा मोर ए नून छोटी नी मोरनी। इसके बाद हमारा अलमद्दा दाल मीम छोटी मी आदमी, आदमी को हम ऑपोजिट क्या बोलते हैं? औरत, आदमी औरत, यानी शी के लिए औरत और ही के लिए आदमी। तो ये हमारे हो गए मुज़क्कर और मुअन्नस, अब्बा अम्मी दादी।